सभी खूबसूरत बतखों की खेती जापान के सभी किसान काफी ज्यादा बड़े लेवल पर करते हैं और इनके इस डक फार्मिंग करने की प्रोसेस भी काफी ज्यादा मजेदार होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के ये सभी किसान बतखों की खेती कैसे करते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बतखों की खेती करने की इंटरेस्टिंग प्रोसेस के साथ इससे होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, आज के समय जापान के लोगों के द्वारा डक फार्मिंग बड़े लेवल पर करी जाती है। जापान के सभी किसान जब धान की फार्मिंग शुरू करते हैं तो इन्हें शुरुआती समय में केवल एक बार ही खाद की जरूरत पड़ती है, जिसे कि फार्म में काम करने वाले किसान अपने खेतों में कुछ इस तरह से डाल देते हैं। और ये खाद किसी भी तरह की रासायनिक खाद नहीं होती, बल्कि ये गोबर की खाद होती है। जब सभी किसान अपने फार्म में गोबर की खाद मिला देते हैं, तब वो सभी अपने फार्म में कुछ इस तरह से धान की रोपाई कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है बतखों के छोटे छोटे बच्चे अर्थात चूजों को मार्केट से खरीद कर लाने की, जिसे सभी किसान लेकर आते हैं और इन्हें लेकर आने के बाद सबसे पहले ब्रूडा के अंदर कुछ इस तरह से रख देते हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रूडा में रखने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये चूजे शुरुआत में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिस कारण इन्हें शुरुआती समय में थोड़ी गर्मी की आवश्यकता होती है, जिस कारण से इस प्रक्रिया के एक बड़े से बल्ब के नीचे इन्हें रख दिया जाता है और इन्हें कुछ इस प्रकार से दाना और पानी भी खाने को दिया जाता है, जिससे कि ये सभी जल्दी बड़े और विकसित हो सके। जब इन्हें शुरुआत में रखा जाता है, तब उसके एक सप्ताह बीत जाने के बाद इन्हें दोबारा से ब्रूडर के बाहर निकाला जाता है। पर भले ही इन्हें बाहर निकाल लिया जाता हो, लेकिन डक फार्मिंग करने वाले किसान इन्हें धान के खेतों में जाने से रोके रहते हैं, क्योंकि धान निकलने के लगभग 20 से 25 दिनों तक बतखों को धान के खेत में जाने देने से रोकना होता है। क्योंकि अगर इन बतखों को धान निकलने से थोड़े ही समय के अंदर खेतों में छोड़ दिया जाएगा ना, तो ये धान की फसलों को बर्बाद भी कर सकते हैं। जापान के सभी किसानों का ऐसा कहना है कि जब एक फार्म में लगे धान के पौधे अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत ना कर ले, तब तक इन चूजों को खेत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये धान के पूरे खेत को बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब जापान के डक फार्मिंग करने वाले किसानों ने धान 20 से 25 दिनों के हो जाते हैं, तब इन डकलिंग अर्थात बतखों के बच्चों को धान के खेतों में छोड़ दिया जाता है और तब तक बतख के ये छोड़े गए बच्चे भी 20 के 25 दिन के हो गए रहते हैं। जापान में डक फार्मिंग करने वाले सभी किसान इन बतखों को खेत में कुछ इस प्रकार से छोड़ देते हैं, तो ये सभी बतख धान के खेतों में मजे से घूमना शुरू कर देते हैं। और इन्हें धान के खेतों में इस तरह से छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये सभी डकलिंग्स धान के खेतों में मौजूद उन सभी कीड़े मकौड़ों को खा लेती हैं, जो कि धान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। धान के खेतों में छोड़े गए ये सभी डकलिंग्स खेतों में मौजूद इस तरह के छोटे छोटे जानवरों को खाती रहती है। इससे धान के खेतों में मौजूद इस तरह के नुकसानदायक कीड़े मकोड़े इन डकलिंग्स के कारण नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही जब ये सभी डकलिंग्स धान के पूरे खेत में घूमते रहते हैं ना, तब इन सभी के द्वारा किया गया बीट धान के खेतों में जैविक खाद की तरह काम करता है और धान के खेतों की मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बना जाती है। और इसी तरह से जापान के डक फार्मिंग करने वाले इन किसानों को रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें पैसों की बड़ी मात्रा में बचत भी होती है, क्योंकि एक डकलिंग की कीमत मार्केट में लगभग 50 रुपए होती है और इस प्रकार से 100 डकलिंग की कीमत केवल 5000 रुपए तक पड़ती है। लेकिन अगर इसी जगह पर जापान के डक फार्मिंग करने वाले किसानों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना पड़े, तो उन्हें 5000 से भी कहीं ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी प्रकार से जापान के इन किसानों को नुकसान जरा सा भी नहीं होता, बल्कि फायदा कई गुना का हो जाता है। इसी कारण से धान की फसल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार करी जाती है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, समय के साथ साथ धान के ये पौधे जिस प्रकार से बड़े होते रहते हैं ना, इसी तरह से ये सभी डकलिंग्स भी काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और जब जापान के इन किसानों के खेतों के धान 4 महीने के बाद पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तब तक ये सभी डकलिंग्स भी पूरी तरीके से विकसित होकर बड़े हो जाते हैं। अब जब धान की रोपाई के समय से 4 महीने बीत चुके होते हैं, तो ये धान की फसल भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और इन्हें जापान के सभी किसान कुछ इस तरह से धान काटने वाली बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से काट लेते हैं। इसके बाद इन सभी धानों को कुछ इस तरह की फैक्ट्री में लेकर आया जाता है, जहाँ पर इन्हें मशीनों की मदद से साफ करके पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है और इन्हें कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों से फैक्ट्री के अंदर पैक कर दिया जाता है और इस तरह के एक लंबे प्रोसेस के बाद लोगों के पास ऑर्गेनिक चावल पहुंचाया जाता है।
इतना हो जाने के बाद जापान के ये किसान अपनी धान की फसलों से अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, लेकिन अब बारी आती है इन बतखों से पैसे कमाने की, जो कि इनके लिए सोने पर सुहागा होता है। जापान के सभी किसान इन सभी बतखों में से 10 नर बतखों को अलग करके रख देते हैं और बाकी के बचे नर बतखों को मार्केट में सेल कर देते हैं, और बाद में इन बतखों को मीट के रूप में उपयोग किया जाता है। इन बतखों को बेचने के बाद इन किसानों को बहुत ही अच्छी प्राइस भी मिल जाती है। इसके बाद जापान के इन सभी किसानों के पास कुछ नर बतखों के अलावा सभी मादा बतख बचे हुए होते हैं, जो कि समय आने पर अंडा देने का काम करते हैं। और यहाँ पर किसान लोग दोबारा से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि बतखों के इन अंडों को किसान लोग दोबारा से बढ़िया प्राइस में बेच देते हैं। और इन अंडों को जापान के किसानों से बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक खरीद कर ले जाते हैं, जहां फैक्ट्री के वर्कर्स इन सभी अंडों को कुछ इस तरह से फैक्ट्री में मौजूद इंक्यूबेटर यूनिट में रख देते हैं। इन सभी बतखों के अंडों को फैक्ट्री के इंक्यूबेटर यूनिट में 21 दिनों के लिए रख दिया जाता है। जब इंक्यूबेटर यूनिट में अंडे 21 दिनों के लिए रख दिए जाते हैं, तब तक इनमें से चूजे निकल आते हैं, जिसे कंपनी के वर्कर्स इंक्यूबेटर यूनिट से कुछ इस प्रकार से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मौजूद वर्कर्स इन सभी चीजों को हाथों से छूने से पहले हाथों में एक ग्लव्स को कुछ इस तरह से लगा कर रखते हैं, जिसके बाद वो सभी इंक्यूबेटर यूनिट से निकाले गए चूजों को अपने हाथों में लेकर ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा चूजा स्वस्थ है और कौन सा चूजा किसी तरह के रोग से ग्रसित है। इसके बाद ये सभी ग्लव्स और मास्क लगाए हुए वर्कर्स कुछ इस तरह से स्वस्थ और बीमारी से ग्रस्त चीजों को अलग कर देते हैं। जब ये फैक्ट्री के वर्कर्स सभी चीजों को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, तब इन चीजों को यहाँ से एक ट्रक में कुछ इस तरह से भरकर बतखों के मेन फार्म में लेकर आया जाता है। इसके बाद इन सभी चीजों को फार्म में मौजूद वर्कर्स उतार कर अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर इन चूजों के लिए एक विशेष रूम बनाया गया रहता है। और इन सभी चूजों को फार्म में काम करने वाले वर्कर्स कुछ इस तरह से यहाँ के कमरे में डाल देते हैं, जहाँ पर ये सैकड़ों हजारों की संख्या में मौजूद चूजे 2 महीने तक रखे जाते हैं। इसके बाद इस कमरे में रखे गए सभी चूजे अच्छे खासे बड़े बतखों में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद दोबारा से इस फार्म में काम करने वाले वर्कर्स इन बतखों को कुछ इस तरह से बड़े बड़े पिंजरों में भर देते हैं और इन्हें ट्रक में इस तरह से लोड कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी बतखों को ट्रक के द्वारा मीट की फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद जब ये सभी बतख मीट की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, तब इन्हें मीट की फैक्ट्री में मौजूद इस गोल गोल घूमने वाली मशीन में इस तरह से लटका दिया जाता है, और ये मशीन इन बतखों को एक एक करके खत्म कर दी जाती है और इन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए दूसरे वर्कर्स तक पहुँचा देती है। मीट फैक्ट्री में मशीन की मदद से इन्हें कुछ इस तरह के पीसेस में काट लिया जाता है और इन्हें फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स अपने हाथों के द्वारा कुछ इस तरह से पैक कर देते हैं। इसके बाद इन सभी पैक किए हुए मीट को ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट में भेजा जाता है, जहां से इन बतखों के मीट को यूज करने वाले लोग अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। और इसी तरह से कुछ समय के अंदर जापान के किसानों का डक फार्मिंग की तरफ रुझान काफी ज्यादा बढ़ा है, और सभी किसान डक फार्मिंग के जरिए अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं, क्योंकि बतखों के अंडे और उसके मांस मुर्गी के अंडे और मांस की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक कीमत में बिकते हैं, जिससे कि किसानों की आमदनी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से जापान के किसान न केवल धान की खेती करके बल्कि डक फार्मिंग के जरिए भी अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। वैसे जापान में हो रही डक फार्मिंग के प्रोसेस की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।